या मुंबई, चेन्नई या बेंगलुरु, राजनीति की हलचल हो या खेल जगत का शोर, मनोरंजन के ग्लैमर हो या रेलवे की भागदौड़, हर दम हर पल जुड़े रहिए डेली न्यूज ऑनलाइन के साथ। बैठा हुआ हूँ राजनगर एक्सटेंशन में और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं मेरे बगल में जो बैठे हुए हैं ये हैं डॉक्टर साहब। मजे की बात ये है कि ये 12वीं तक पढ़े हुए हैं, बता रहे हैं कि मैं 12वीं पास हूँ और बंगाल कोलकाता का रहने वाला हूँ और यहाँ पर ये क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं। क्या डिग्री है आपके पास? कोई डिग्री नहीं है, खुद एग्री करें इनके पास कोई डिग्री नहीं है। किसके अथॉरिटी पे, किसके कहने पे आपने क्लिनिक खोला है? कोई भी अथॉरिटी नहीं, लेबर को दवाई कर रहे। एक बात बताओ मेरे को, आप आप यहाँ पे दवाई बेच रहे हो, लोगों को दवाई दे रहे हो, किसी का नुकसान हो जाए, किसी को बिना डिग्री के आप यहाँ पे काम कर रहे हो, लोगों को दवाई दे रहे हो, कोई मर जाए, किसी को कुछ हो जाए, इसका हजाना कौन भरेगा? मेरे इतना बोरी कोई ग्राहक नहीं आएगा, उतना बोरी ग्राहक नहीं आएगा। ग्राहक बढ़िया से मतलब नहीं होता है, ग्राहक भी तो है कि हर तरीके के इंसान होते हैं, किसी का पैसा है किसी का पैसा नहीं है। बताओ, छोटी छोटी काम करना चाहते हो? छोटी छोटी काम छोटे और बड़ा नहीं होता है, बीमारी तो बीमारी है। आप यहाँ क्लिनिक खोल के बैठे हो, किसके अथॉरिटी पे, किसके कहने पे खोल के बैठे हो ये बताओ? लाइसेंस क्या आपके पास? कोई लाइसेंस नहीं, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। क्राइम में सीधे सीधे कहा गया है, क्राइम में साफ साफ तौर पे ये कहा जाता है, बिना लाइसेंस बिना किसी डिग्री के यदि आप कोई भी क्लिनिक खोल के बैठे हैं वो बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि आप लोगों को दवाई दे रहे हैं, आपकी दवाई से किसी का नुकसान हो जाता है। आप कहीं पे क्लिनिक खोल कर बैठ गए, आपके पास कोई मरीज आ रहा है, आप उसको दवाई दे रहे हैं और वो मर जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक बंदा पढ़ाई करता है, MBBS की MD की पढ़ाई करके डिग्री लेकर हॉस्पिटल चला रहा है या क्लिनिक चला रहा है, तो उसको मान्य माना जाता है, वो भी गलती करता है तो उसको सजा मिलती है। और ये तो देखिए भाई साहब, चेकिंग आया था भाई साहब, देखिए ये फोन करके धमका रहे। आइए मैं आपको इनके नाम डिग्री दिखाता हूँ, इनका बोर्ड दिखाता हूँ, आइए। ये नाम है डॉक्टर गोपाल, बंगाली क्लिनिक, ये इन चीज़ों का इलाज करते हैं, छोटी बीमारियाँ हैं ये। इनके दुकान की तरफ फोकस कीजिए सर, ये इनकी दुकान है। नमस्कार, मैं हूं मुकुल कुमार, मैं इस वक्त बैठा हुआ हूं एक और ऐसे डॉक्टर के साथ जिसके पास कोई डिग्री नहीं है। मैंने अभी इनसे पूछा कि कोई डिग्री है, तो कह रहे हैं नहीं है। डिग्री लेकर कोई बैठता है क्या, बताइए? एक पुलिस वाला जब अपने सर्विस पे निकलता है तो अपने साथ अपनी लाइसेंस सरकारी गन लेके निकलता है, एक मीडिया वाला जब अपने जॉब पे निकलता है तो अपना आई कार्ड अपने माइक को लेकर निकलता है, अपने गन माइक के साथ होता है, एक फोटोग्राफर जब फोटोग्राफी करने के लिए निकलता है तो अपने कैमरे के साथ निकलता है। ये डॉक्टर साहब है, देखिए गौर से देखिए इनका चेहरा, ये देखिए इनका चेहरा, ये डॉक्टर साहब है, ये यहाँ पे इलाज कर रहे हैं लोगों का। एक डिग्री वो होती है जो एक डॉक्टर को पहचान दिलाती है कि हाँ ये MBBS है, MD है, BAMS है, कुछ भी है, लेकिन इनके पास कोई डिग्री नहीं है। और ये कॉल करवा के बात करवाते हैं लोगों से, धमकी दिलवा रहे हैं, कह रहे हैं कि बात कर लो पता चल जाएगा। नमस्कार, मैं मुकुल कुमार, एक और डॉक्टर के साथ मैं अभी मिलने आया हूँ और देखिए इनके पास भी मजे की बात है कोई डिग्री नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अपने मुंह से खुद बोल रहे हैं। कौन सी डिग्री है? कोई डिग्री नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। कहाँ तक पढ़े लिखे? इंटरमीडिएट किए हुए हैं, ये भी इंटरमीडिएट वाले हैं और यहाँ पे डॉक्टर ही कर रहे हैं। देखिए ये देखिए ये डॉक्टर ही कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको अथॉरिटी किसने दी है? किसके अथॉरिटी पे काम कर रहे हो? हम लोग तो ये इसमें काम आपका मांग कर रहे हैं, उसमें हम लोगों को कुछ ट्रेनिंग वगैरह दे दे तो हम क्या ट्रेनिंग दे सर इसके एसोसिएशन के तरफ से। आप कितने साल से बैठे हुए? ये 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से डॉक्टर ही कर रहे हैं। देखिए कोई डिग्री नहीं, कोई कुछ नहीं, बिना डिग्री के। एक डॉक्टर की पहचान उसकी डिग्री से होती है कि वो किस लेवल का डॉक्टर है, उनका लेवल इंटर पास है। ऐसा हम तो फास्ट एड भी करते हैं, खाली देखिए पट्टी करते हैं, मान लीजिए ड्रेसिंग करते हैं। आगे की न्यूज़ के लिए बने रहिए, मैं हूँ मुकुल कुमार, आगे और भी डॉक्टरों से मैं आपको मिलवाता रहूँगा। देख लीजिए डेली न्यूज़, मैं हूँ मुकुल कुमार। और देखिए बहुत मजे की बात है, यहाँ भी एक डॉक्टर साहब मिले हैं,
टीवी इंटर पास से बिहार के रहने वाले हैं और इनके पास भी डिग्री नहीं है, इनकी इंटर तक की डिग्री भी बिहार में रखी हुई है। डॉक्टर साहब क्या डिग्री है? इंटर की डिग्री है। यहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। और ये किसके किसके अथॉरिटी पे काम कर रहे हैं? चौबे जी। ये चौबे जी क्या बला है देखते हैं, आके आगे बात करते हैं चौबे जी से चल के और देखते हैं क्या है चौबे जी। ये चौबे जी के दम पे सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं जितने भी, सब इंटर पास है और सबने क्लिनिक खोला हुआ। दिखाई जरा, दिखाइए किचन में, दिखाइए। चलो, इस जगह का क्या नाम हुआ? सियानी गांव है। सियानी गांव है ना। और यहाँ पे आप क्लिनिक खोल के बैठे हो कितने साल से? छह महीने से। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार में। कहाँ के हो? पूर्णिया के रहने वाले हो। अच्छा, पटना क्लिनिक के नाम से आपकी दुकान। एक डॉक्टरी करने के लिए क्या डिग्री चाहिए? और उसके पास साथ डिग्री हाँ, मतलब पास और या जैसे कि BMS या MBBS की डिग्री होनी बहुत जरूरी है। होनी जरूरी है ना? जरूरी है। और इसके अगर ये डिग्री नहीं है तो क्या वो डॉक्टरी कर सकता है? उसको अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है ना। सर आपके पास है? आपके पास है? मेरे पास है, मैं आपको दिखा। नाम बता दीजिए। MBBS डिग्री। MBBS। ये MBBS डॉक्टर है। अभी हम इससे पहले चार डॉक्टरों से मिले हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, इंटर पास है, और वो इंटर पास की डिग्री भी यहाँ नहीं रखे हुए हैं, वो घर पे। कोई कह रहा है बंगाल में, कोई कह रहा है कोलकाता में, कोई कह रहा है बिहार में, लेकिन ये डॉक्टर साहब है, इनके पास MBBS की डिग्री भी है और ये डॉक्टर ही चला रहे हैं। और देख लीजिए इनका क्लिनिक, सर जरूर दिखा दो। कुछ खास अलग नहीं है, सब कुछ एक जैसा है, तो क्यों हम एक ही तराजू में दोनों डॉक्टरों को तौलते हैं? सर आपकी फीस क्या होगी? ₹50 फीस है। एक MBBS डॉक्टर जिसकी फीस है ₹50, और सेम कंडीशन वहाँ भी है, 100-150 वो भी ले रहा है। क्या इतनी वैल्यू घट चुकी है MBBS की डिग्री की, या फिर मार्केट में ये झोला छाप डॉक्टर जो बैठे हुए हैं इन्होंने मार्केट को गंदा किया हुआ? आइए इनसे जानते हैं। सर ऐसे डॉक्टर के साथ क्या करना चाहिए? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हम, ये तो रूल रेगुलेशन आपको जो है CMOP से पता लगेगा कि कौन क्या कर सकता है। आप लोगों को बुरा नहीं लगता कि आप? नहीं, मैं किसी की बुराई करूंगा, मैं तैयार नहीं बैठा, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। प्रैक्टिस कर रहा करने को, वो जाने उसका काम जाने, ठीक है ना। लेकिन आपके अहदे में, आपके MBBS में और इंटर पास में तो जमीन और आसमान का फर्क है। वो तो देखो फर्क तो फर्क है ना। अब हम इस चीज को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि इंटर पास और एक MBBS में क्या फर्क होता है। डॉक्टर साहब ने खुद ही बताया इस चीज। आगे की न्यूज के लिए बने रहिए, मैं मुकुल कुमार, देखते रहिए। दिल्ली हो या मुंबई, चेन्नई या बेंगलुरु, राजनीति की हलचल हो या खेल जगत का शोर, मनोरंजन के ग्लैमर हो या रेलवे की भागदौड़, हर दम हर पल जुड़े रहिए डेली न्यूज ऑनलाइन के साथ।